हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं ब्लर एक्सवाईजी में। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो जो कि दिवाली रॉकेट सूतली बम और स्काई बम के ऊपर थी, उसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, काफ़ी सपोर्ट किया था और दोस्तों आपने कमेंट्स भी किए थे कि इस तरह की और वीडियोज़ भी बनाइए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं दो और दिवाली फायर क्रैकर्स जो कि हैं दिवाली अनार और चकरी। और दोस्तों मुझे लगता है ये जो है सबसे फेवरेट क्रैकर्स होते हैं ज़्यादातर लोगों के। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों को जो है देखने वाले हैं कि क्या है इनके अंदर, क्या देखने को मिलता है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इनके अंदर का राज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में है कुछ अनार और दोस्तों यहाँ पर है कुछ चकरी। और दोस्तों ये जो है लगभग मीडियम साइज के क्रैकर्स हैं, इससे बड़े छोटे जिस भी टाइप के आपको चाहिए वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। दोस्तों अगर इनको खोलने के लिए जरूरत पड़ी तो हम एक बार फिर से यूज करेंगे हमारी उन्हीं आरियों का और साथ ही साथ में पेपर कटर का। दोस्तों काफी लोगों ने एक चीज और भी पूछी थी कि यार ये जो हमारी मशीन थी, जो कटर था, इसका यूज क्यों नहीं करते। तो भाई इसका रीजन ये है, अगर हम इससे काटेंगे ना इसको तो भाई यही फट जाएगा क्योंकि बहुत गर्म होता है वो उस टाइम पे, तो इसलिए इसका यूज तो वैसे ही करना डेंजरस है। तो यार ये जो चक्री है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जयम नारायणा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलिए इसको खोलते हैं, इसका जो ऊपर वाला ये है इसको हटाते हैं। और दोस्तों ये जो है हट गया, कोई आसानी से ही हट गया। और इसके अंदर इस तरह की कुछ कॉइल आप देख सकते हैं और मुझे लगता है ये पूरी इस तरीके से अनकॉइल हो जाएगी, पूरी खुल जाएगी। और दोस्तों काफ़ी बड़ी इसके अंदर यार ये निकल रही है, देखिए आप कितना बड़ा तो पहले निकल चुका है और अभी भी जो है बचा हुआ है। तो यार ये पूरा जो है ये बारूद का भरा हुआ है क्या, देखते हैं क्या निकलता है यार इसके अंदर। बहुत बड़ी हो गई है, मैं कहूँगा लगभग 2 फीट की हो गई। आप देखिए इस तरीके से आप अगर इसको देखेंगे तो ये जो है काफ़ी लंबी हो गई, मैं आपको इकट्ठा करके जो है फ्रेम में आ नहीं रहा पूरा, लेकिन अब जो है आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो इसका कलर कुछ अलग है जो कि बाहर दिखता है और अंदर जो है सिर्फ पेपर है। तो हम इसको खोलना शुरू करते हैं, इसकी जो अंदर वाली साइड थी उसके अंदर क्या है। और दोस्तों इसको जो है काटते टाइम मुझे थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेपर है। थोड़ा सा और आगे से खोलते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ चीज़ तो है यार, बारूद तो है पर मुझे नहीं लगता ये जलती है या नहीं जलती, क्योंकि कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं लग रही मैं आपको सही बताऊँ तो। तो यार अब इसको जो है मैं सोचाऊँ बीच से काट देते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा दिया मैंने। और जो इसका अगले वाला हिस्सा है ना इसी को खोलते हैं, जो इसका जहाँ पर हम आग लगाते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो है हम हमारी माचिस लगाते हैं, तो इसी को एक बार देखते हैं खोल के। यार इसको जो है काटना थोड़ा अजीब सा है, जो हमारे पिछले वाले थे वो सीधे कट गए थे लेकिन इसमें आप देखिए ये निकल गया। और अब इसको काटने के लिए तो भाई हाँ यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये थोड़ा असली जैसा बारूद लग रहा है और यही जो है जलता है इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर जो है मुझे लगता है पूरे में यही भरा होगा, कितना दूरी तक भरा हुआ है मेरे हिसाब से जहाँ तक ये पेपर लगा हुआ है ना वहाँ तक हुआ। दोस्तों अब देखते हैं हमारे अनार को और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर जो हमारी चक्री है उसका बारूद लग गया है। और दोस्तों ये जो दोनों बॉम है, जो उसकी चक्री और अनार, ये दोनों जो है ये कुछ टाइम तक चलते हैं, जो हमारी पिछली वीडियोज में बॉम थे सूतली बॉम वगैरह वो तुरंत फट जाते थे, लेकिन ये जो है लगभग 15-20-30 सेकेंड तक चलते हैं। तो यार इसको भी खोलते हैं और इसके मुझे इंटरेस्ट है इसको नीचे से खोलने के ऊपर, क्योंकि इसके जो नीचे है वो बहुत पतला पेपर मुझे लग रहा है। और इसको मैंने आप देखिए काट दिया है पेपर कटर से ही और ये बाहर आ गया। और आप इसके अंदर देखिए यार कुछ स्फेरिकल शेप है, यानी कि गोलाकार इसके अंदर इस तरीके का आकार है और पता नहीं यार ये भी किस चीज़ का है। और लेकिन ज़्यादातर जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनका जो बेस होता है ना वो मिट्टी का बना होता है, ताकि जब हम उनको ऐसे रखते हैं तो वो मतलब खड़े रहें, यानी कि इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर वो ऊपर से भारी होगा नीचे से हल्का होगा तो बैलेंस नहीं होगा, जबकि अगर वो नीचे से इस तरीके का कुछ हार्ड मटेरियल होगा, मिट्टी वगैरह भारी होगा, तो खड़ा रहेगा, बिल्कुल गिरेगा नहीं जब वो चलता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर इसके ऊपर हम देखते हैं तो ये है इसका फ्यूज़ जो कि इसकी बत्ती, और यार काफ़ी मोटा फ्यूज़ मैं कहूँगा अनार के अंदर आता है, हमेशा ही मोटा ही आता है मैंने अभी जितना भी देखा अभी तक। और यार मुझे दोस्तों उम्मीद है कि इसके अंदर काफ़ी सारा बारूद होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हुआ अनार जो है वो काफ़ी देर तक चलता है और इसका तो साइज़ भी जो है वो ठीक ठाक है, इतना छोटा नहीं है। तो इसको भी जो है काटने की करते हैं कोशिश पेपर कटर से, और यार इसका मुझे भरोसा नहीं है कि ये कटेगा या नहीं कटेगा इससे, क्योंकि काफ़ी मोटा कार्डबोर्ड है। लेकिन फिर भी हाँ जी जो है इसके अंदर हमारा पेपर कटर चला गया लेकिन पूरा नहीं कट रहा। और जी दोस्तों ये जो है आर पार इसके हो गया है एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी होगा, यार कैसे नहीं होगा भाई, कैसे नहीं होगा, हो गया ये तो लगभग। इसका जो ऊपर का ये रैपर है ना इसको भी उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार बहुत अच्छे से चिपकाया हुआ है, हट नहीं रहा। आप देखिए इसके अंदर भी पूरा कार्डबोर्ड है ये रहा ना।
और दोस्तों ये जो हमने काटा था तो मैं अब इसको खोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा दिख गया है और आपको भी दिख जाएगा और आपको भी शायद जो है अचंभित करेगा। आप देखिए कितना सारा बारूद है भाई इसमें, कितना सारा है आप देखिए। और यहाँ पर है दोस्तों इसका फ्यूज़, जो कि अब ढीला हो गया है, फ्यूज़ हो गया है, बाहर आ गया, आप देखिए इतना बड़ा था। और दोस्तों आप एक बार देखिए यार कितना सारा इसके अंदर बारूद है, और मैं कहूँगा अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि बारूद की क्वालिटी देखते ही जो है पता लग जाता है। हाथ के ऊपर एक बार डाल ही लेते हैं यार, धो लेंगे हाथ को अच्छे से। बाकी आप जो है इन चीज़ों को बिल्कुल ट्राई मत कीजिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था। और आप देखिए ये जो है अभी तक जो हमारे सभी बॉम्ब्स हैं, मुझे उन सब में ये सबसे अच्छा बारूद लगा है अभी तक देखने में, क्योंकि तो काफ़ी शाइनी है यहाँ पर ही। आप देखिए मेरा हाथ भी पूरा इसी में हो गया अभी तो। और दोस्तों इसके अंदर जो है छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, मुझे लग रहा है ये स्पार्क करते हैं जब ऊपर जाता है इसमें से मटेरियल, तो ये उस टाइम पे जो स्टार्स टाइप की चीज़ें दिखते हैं, तारे दिखते हैं हमको इस अनार के अंदर, वो इन्हीं की वजह से दिखते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं और बाकी दोस्तों कुछ खास नहीं है, बहुत सारा बारूद है ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो यार इसके ऊपर भी जो है एक बार हम लगाते हैं आग और देखते हैं कैसा जलता है भाई ये। इसी का फ्यूज़ यूज़ करेंगे इसमें, तो मैंने फ्यूज़ को इसमें लगा दिया है दोस्तों कुछ इस तरीके से, रुक नहीं पा रहा। और दोस्तों मुझे पूरा इसमें उम्मीद है कि ये एकदम से जलने वाला है, क्योंकि यार बहुत सारा बारूद है तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा दोस्तों, बिल्कुल सेफ्टी के साथ में चीज़ें करेंगे। पहले तो मुझे हाथ धोना पड़ेगा, आप देखिए बिल्कुल यार हाथ का आप इधर से देखिए बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया कोई पहचान नहीं सकता यार क्या हो गया ये। तो यार अब जो हमारे बाकी बॉम्ब्स हैं ना इन सबको मैं साइड में रखता हूँ और इसके ऊपर माचिस लगाते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल धीरे धीरे जल रहा है और ग्रीन कलर में जल रहा है यार, इसका जो कलर है वो ग्रीन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा तो था यार ये ग्रीन इसके ऊपर लिखा हुआ था बॉक्स के ऊपर। और दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा जल गया है और काफ़ी गर्म यहाँ पर दिख रहा है यार, बिल्कुल जो ब्लैक मटीरियल है ना वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, अब हो गया भाई। और आप देख सकते हैं पूरा जो है ब्लैक टाइप का हो गया, थोड़ा मैं आपको जूम करके इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ब्लेड XYZ को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।